इस वीडियो में हम बात करेंगे एलियम सीपा के बारे में, जिसका कॉमन नेम है रेड अनियन। एलियम सीपा का नेचुरल ऑर्डर लिलिएसी है। ये मेडिसिन जनरली कोराइजा में यूज़ होती है। कोराइजा में जो नेजल डिस्चार्ज होता है वो एक्रिड होता है, और जो आई से सिक्रेशन होता है वो ब्लेंड होता है। इसका जस्ट अपोजिट यूफ्रेशिया में देखने को मिलता है। यूफ्रेशिया में जो नेजल डिस्चार्ज होता है वो ब्लेंड होता है, और आई सिक्रेशन जो होता है वो एक्रिड होता है। ये अगस्त कोराइजा में यूज़ आती है मेडिसिन। इसमें फ्लुएंट डिस्चार्ज होता है नोज़ में से। नोज़ के टिप पे एक ड्रॉप जो है वो हमेशा बनी रहती है, और नेज़ल पॉलिप में पेशेंट को ऐसा फील होता है जैसे जो रूट ऑफ नोज़ है वहाँ पे लंप है, और जैसे ही पेशेंट वार्म रूम में एंटर होता है वैसे ही जो कोराइजा है वो बढ़ जाता है। अब हम इसके हेडेक की बात करेंगे। हेडेक में पेशेंट को हेडेक जो है वो मेंस्ट्रुअल फ्लो के टाइम पे ठीक हो जाता है, और जैसे ही फ्लो होना बंद होता है तो हेडेक फिर से होने लगता है। ये मेडिसिन उन पेशेंट्स को सूट करती है जो कि सुस्त होते हैं, जिनको नमी वाले मौसम में जल्दी जुखाम हो जाता है। उसके अलावा ईयर्स की हम बात करें तो ईयर्स में पेशेंट को शूटिंग पेन होता है, कॉफ में पेशेंट को जैसे ही सांस लेता है पेशेंट उसको खांसी शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे लैरिंग्स जो है वो दो हिस्सों में बट गया है। और कान में दर्द होता है खांसते टाइम। ये मेडिसिन न्यूरेल्जिक पेन की भी अच्छी मेडिसिन है। इसमें थ्रेड लाइक पेन होता है न्यूरेल्जिया में। अगर किसी पेशेंट के एम्प्यूटेशन करवाया है और उस एम्प्यूटेड लिम में पेन है तो ये मेडिसिन इंडिकेटेड हो सकती है। उसके अलावा हील्स में अल्सर्स की अच्छी मेडिसिन है ये। अब इसके स्टोमक की हम बात करें तो इसमें कनाइन हंगर होता है पेशेंट को। पेशेंट को प्यास बहुत लगती है, भूख बहुत लगती है, जी घबराता है, पेन होता है पाइलोरिक रीजन में। डायरिया की बात करें तो डायरिया में पेशेंट को के जो फ्लैटस होता है वो ऑफेंसिव होता है, पेन होता है लेफ्ट हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में, रेक्टम में स्टिचेस फील होते हैं, चुभने जैसा दर्द होता है, खुजली होती है। उसके अलावा रेक्टम में पेशेंट को गरम गरम फील होता है। पेशेंट को ऐसा लगता है पूरी बॉडी में गर्मी है। उसके साथ पेशेंट को जलन होती है नाक में, मुंह में, गले में, ब्लैडर में, स्किन के ऊपर। एलियम सीपा का जो पेशेंट होता है वो उदास
उदास होता है, सुस्त होता है, डल होता है इंटेलेक्ट से, और दुखी होता है उसकी हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेकर, जैसे कि कोराइजा है, कटा है, कॉलिक है। इनके साथ पेशेंट जो है वो बहुत सुस्त और उदास रहता है। इससे रिलेटेड कुछ रूब्रिक्स हैं, सैडनेस कैटा इन, सैडनेस कोराइजा इन, सैडनेस कॉलिक इन, डलनेस कोराइजा ड्यूरिंग। उसके साथ पेशेंट को मेंटल कंफ्यूजन भी देखने को मिलता है कोराइजा के टाइम पे। इससे रिलेटेड रूब्रिक है कंफ्यूजन ऑफ माइंड कोराइजा ड्यूरिंग, कंफ्यूजन ऑफ माइंड कॉफ ड्यूरिंग। पेशेंट को डर होता है कहीं उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ नहीं जाए या अनबियरेबल नहीं हो जाए। इससे रिलेटेड रूब्रिक है फियर सफरिंग ऑफ इनटॉलरेबल विल बिकम, फियर पेन ऑफ बिकमिंग इनटॉलरेबल। उसके अलावा पेशेंट जो है वो वीपिंग और टीयरफुल मूड में आ जाता है म्यूज़िक की वजह से, स्पेशली जो पियानो पे म्यूज़िक बजता है उससे। इससे रिलेटेड रूब्रिक है वीपिंग टीयरफुल मूड म्यूज़िक फ्रॉम पियानो ऑफ। ओके, थैंक यू।